आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश में ई पासपोर्ट बनाने का काम प्रगति पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जल्द बनेंगे चिप वाले पासपोर्ट। मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश और ओलावृष्टि। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से घर जाकर मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सूबे की सियासत गरमाई। बस्तर का बंडा जी इतिहास में होगा दर्ज, सरकार किसानों की अधिग्रहित जमीन वापस देगी। और बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल, मुख्यमंत्री कमलनाथ को कहा कफननाथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार जल्द चिप वाला पासपोर्ट लेकर आने वाली है। प्रधानमंत्री ने यह अपने संबोधन में कहा कि ई पासपोर्ट की दिशा में काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ महीने पहले ही एक नया कदम उठाया गया है। दुनिया भर में हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। इससे आप सभी के लिए पासपोर्ट सेवा से जुड़ा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार हो जाएगा। हमारी सरकार ने पीआईओ कार्ड्स को ओसीआई कार्ड्स में बदलने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। प्रधानमंत्री ने जिस ई पासपोर्ट का जिक्र किया है वो चिप वाला पासपोर्ट होगा। जल्द विदेश मंत्रालय चिप वाले ई पासपोर्ट जारी करने जा रहा है। इस पासपोर्ट में एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा यह ई पासपोर्ट आपके पुराने पासपोर्ट की जगह लेने वाला है। यदि कोई इस चिप के साथ छेड़छाड़ करेगा तो पासपोर्ट सेवा सिस्टम को इस बात का पता चल जाएगा और पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश और ओलावृष्टि जारी है। राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट बदली है और ठंड बढ़ गई है। आलम यह है कि राजधानी में दिन में भी रात सा नजारा देखने के लिए मिला। कोहरे की वजह से कई सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और मालवा इलाके में बारिश के साथ कुछ जगह ओले भी गिरे। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में जहां सोमवार दोपहर से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं हिमालय क्षेत्र बारिश और बर्फबारी हो रही है। मंगलवार सुबह बारिश के दौरान घने बादलों के चलते धूप अंधेरा छाया रहा। मंगलवार सुबह बारिश के दौरान घने बादलों के चलते घुप अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो आगामी दो दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऐसे ही हालात रहने की आसार हैं। वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस से ही उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के मौसम में भी तेजी से बदलाव होगा, खासकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान से उनके घर पे जाके मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधा घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस से लेकर भाजपा के गलियारों में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। माना जा रहा है इन दोनों नेताओं ने अपने भविष्य की रणनीति पर आपस में चर्चा की है। बीती रात में मध्य प्रदेश की सियासत में नए समीकरण देखने को मिले, जब कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में 40 मिनट तक चर्चा की। इस चुनाव में बीजेपी और शिवराज ने सिंधिया को रोकने के लिए बस करो महाराज का नारा दिया था। इसके बावजूद सिंधिया ने दरियादिली दिखाई और शिवराज के घर पहुंच गए। माना जा रहा है यह दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश में बढ़ते दखल का परिणाम है। सिंधिया के भोपाल आने के बाद तक उनके साथ चल रहे समर्थकों को भी उनकी इस मुलाकात के बारे में पता नहीं था।
सूत्र बताते हैं कि दोनों के बीच प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर सरकार के कामकाज आदि मुद्दों पर बातचीत हुई। इसका कहीं न कहीं केंद्र बिंदु दिग्विजय सिंह थे। चौहान के बंगले से बाहर निकलकर सिंधिया ने चर्चा के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर बताया कि चौहान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे सौजन्य मुलाकात करने आया था। उनसे जब यह सवाल किया गया कि चुनाव के दौरान माफ करो महाराज के जुमले पर भाजपा ने जिस तरह प्रचार किया तो उसकी कड़वाहट समाप्त हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि जो कड़वाहट लेकर पूरी जिंदगी बिताऊं, रात गई सो बात गई। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं मिलने आया था, सौजन्य भेंट करने आया था और सारी बातचीत। सर तो नहीं बोल, देखिए मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो जिंदगी में करवाहट लेकर पूरी जिंदगी बिताऊँ। जैसे कहा जाता है रात गई बात गई, हमें आगे इसकी बात की सोचनी होगी और अभी मध्य प्रदेश को संवारना है, मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल रखना है और उसमें हम सबको हमें सबको साथ में लेके चलना है और ख़ास करके जिम्मेदारी कांग्रेस की भी होती है क्योंकि अब हम लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो सभी को लेके हमें काम करना है। यही सदैव मैंने आपसे कहा है, पिछले 15-16 सालों में चुनावी मैदान में जो भी है कश्मकश होती है, उसके बाद सबको साथ मिलके कार्य करना चाहिए। शिवराज से मुलाकात के बाद सिंधिया ने कहा कि मैं आगे की सोचता हूँ, अब मध्य प्रदेश को संवारने, उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलने की बारी है। इसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि अब हम सत्ता में हैं। सिंधिया कुछ भी कहें, लेकिन यह भी हकीकत है कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की राजनीति के चलते सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। वहीं जिस तरह से तमाम मसलों पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुखर हुए, ऐसे में सिंधिया का साथ राजनीति में कुछ नए गुल जरूर खिलाएगा। सिंधिया शिवराज सिंह की बढ़ती नजदीकी पर फिलहाल तो पूरी कांग्रेस का ध्यान केंद्रित है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य की यह मुलाकात भविष्य में क्या गोल खिलाएगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन जब चुनाव से पहले कैंपेन चल रहा था, उस समय शिवराज सिंह के कहने से ही एक पंच लाइन बीजेपी के विज्ञापनों में डाली गई थी और वो थी कि माफ करो महाराज। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह को माफ कर दिया है। इन दोनों बड़े नेताओं की ये मुलाकात क्या रंग दिखाएगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाल रही हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत विष्णु सक्सेना का नमस्कार, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इस गणतंत्र दिवस पर अपने दिल के अंदर देश की प्रगति के लिए, स्वच्छता के लिए, देश की उन्नति के लिए एक भाव जागृत करें और देश को ऊपर उठाने की जितनी तमाम कोशिशें हो सकती हों वो करें। देश के प्रति उनका ये सबसे बड़ा भाव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य का प्रतीक केसरिया, शांति का सफेद और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग से बना हमारा तिरंगा इस गणतंत्र दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बस्तर जिले के लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक का छोटा सा गांव बंडाजी इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। देश में पहली बार ऐसा होगा कि किसी उद्योग के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन वापस किसानों को दी जाएगी।
यूपीए सरकार में लाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को यहां अमल में लाया जाएगा। देश के किसानों के लिए बस्तर से इतिहास बनने जा रहा है। राहुल गांधी के निर्देश पर यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, जिसमें देश के किसानों और औद्योगिकी विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए थे, जिसमें दो बातें प्रमुखता से लाई गई थी। पहला यह कि उद्योग अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए अगर किसान से उसकी भूमि अधिग्रहित की जाएगी तो बाजार मूल्य से 4 गुना ज्यादा दर पर की जाएगी। दूसरा यह कि अगर अधिग्रहित की गई भूमि का 5 सालों तक उपयोग नहीं किया गया तो जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। 1.25 एकड़ करीबन मेरा जाना था टाटा में। नहीं, सरकार अभी जमीन अपना जमीन वापस कर रहे थे, हम लोग बहुत खुश है। नहीं, इसमें प्रभाव तो बहुत पड़ा सर, प्रभाव पड़ा क्योंकि बीजेपी का शासन काल में हमारा जमीन के लिए कितना लड़ाई लड़े, हमारा जमीन वापस नहीं हो रहा था। अब सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का सरकार आई तो कुछ ही दिन में मुख्यमंत्री घोषणा कर दिए कि 10 गांव के टाटा का जमीन वापस आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो लौंडीगुड़ा के जिन 1700 परिवारों का जमीन टाटा हेतु दिया गया था, रमन सरकार के समय में 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन लोगों की जमीनें को वापस नहीं किया गया, लेकिन राहुल जी ने जो वादा किया था उसे हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने जैसे ही हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद इसकी घोषणा की। उस घोषणा को अमल करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी माह के अंत में बस्तर पहुंच रहे हैं। बस्तर के लोहड़ीगुड़ा विकास खंड में टाटा स्टील प्लांट के लिए भाजपा सरकार ने यहां 1700 आदिवासी किसानों की इच्छा के बिना 1800 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। 10 साल से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी स्टील प्लांट का निर्माण नहीं किया गया। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव पूर्व यहां के किसानों से वादा किया था कि उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। इसी माह के अंत तक यह जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। यह दिन देश के किसानों और गरीबों के लिए ऐतिहासिक होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार में टीएस सिंहदेव का घोषणा पत्र कितना कारगर साबित हुआ है, इस सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार कर रही है। भाजपा नेत्री सरोज पांडे ने बिलासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए इस बात को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया कि भाजपा की इस हार का प्रमुख कारण कांग्रेस का जन घोषणा पत्र ही था। उन्होंने ये भी कहा कि जन घोषणा पत्र में किए गए वादे कांग्रेस कैसे पूरा करेगी, ये देखने के लिए 6 महीने इंतजार करना होगा। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने कहा कि मोदी सरकार पर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियादी हैं। मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने सहित केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे को भी पूरा किया है। जब उनसे प्रदेश में भाजपा की हार का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का घोषणा पत्र बना है। उन्होंने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के कार्यकर्ताओं को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हीरा है, जीत हार चलती रहती है। मेरे को जितनी जानकारी है उसमें मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हीरा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि वो भारत का लाल है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है, असीम मेहनत की है, जीत हार चलती रहती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रदेश में हम 3 बार सरकार बनाए और अगर इसी प्रदेश में हमने 3 बार सरकार बनाया है तो वो हमने कार्यकर्ताओं की बदौलत बनाया है। कार्यकर्ताओं की असीम मेहनत के कारण हम 3 बार सरकार में आए, हम पीछे हटे हैं और अगर हम नहीं जीत पाए हैं तो उस पर निश्चित तौर पर चिंतन भी है, विचार विमर्श भी है और हम उन सभी बातों पर विचार विमर्श के बाद एक बार फिर बढ़ के आगे। इस हार का तात्पर्य यह नहीं है कि हम मैदान छोड़कर निकल जाएंगे, अभी तो बहुत लड़ाई है, अभी तो शुरुआत है और हमने प्रदेश की सरकार जो कांग्रेस की सरकार चुनकर आई है उस सरकार को 6 महीने का पूरा मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए। उन्होंने कहा कि अब अगर हम हार गए तो वो कार्यकर्ता नकारा हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव के लिए जो महागठबंधन हो रहा है उससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। राम मंदिर के मुद्दे में विवादित बयान देते हुए कहा कि जब भगवान राम चाहेंगे तब बनेगा मंदिर। बीजेपी नेताओं की हत्या और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल सामने आए हैं। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। भाजपा नेताओं की हत्या और उनसे मारपीट के मसले पर बीजेपी कमलनाथ सरकार से बिफरी हुई है।
बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आयोजित आम सभा में भाजपा नेता भाषा की मर्यादा तोड़ गए। एक नेता ने मन से ही कहा कि आरएसएस विध्वंसकारी है तो साबित करो, नहीं तो इस्तीफा देकर मुन्नी बाई के कोठे पर जाकर डांस करो। दूसरे ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश में कमलनाथ नहीं कफननाथ की सरकार है। करीब एक घंटे की भाषणबाजी पर भाजपा ने प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान सांसद सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही निरंतर अपराधों की संख्या बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। मंदसौर में और बड़वानी में हमारे दो कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उसके बाद आज जबलपुर में भी एक कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ है। प्रदेश में भी ऐसे कई अपराध बढ़े हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को ये लगने लगा है कि हमने कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं चुना, उनका असली नाम कफननाथ है, क्योंकि प्रदेश में आए दिन हत्याएं बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं ये प्रदेश के लिए शर्मनाक है। भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भरत सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री गलत जुबानी कर रहे हैं, आरएसएस पर बम बनाने की ट्रेनिंग देने की बात करते हैं। आरएसएस विध्वंसकारी है तो साबित करो, नहीं तो इस्तीफा देकर मुन्नाबाई के कोठे पर जाकर डांस करो या कराओ। बीजेपी के नेता भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं लेकिन अब उनकी भाषा भी अमर्यादित हो गई है। कोरबा में छात्रों के बीच हुए मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ पैनल के छात्रों का समूह एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई करता नजर आ रहा है। ये घटना केएन कॉलेज की है। छात्र राजनीति के चलते छात्र गुट के बीच जमकर मारपीट हुई। केएन कॉलेज में प्रवेश को लेकर दो गुटों में पहले बहस हुई और देखते देखते यह सब मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना में छत्तीसगढ़ पैनल के छात्रों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पीटा। घटना में दो छात्र सूरज टंडेकर व अंशु तिवारी को चोटें आई हैं। इस पूरे मामले को पुलिस मूक दर्शक बन देखती रही। कैंपस और छात्र राजनीति की बात हो तो ऐसे दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं। फिलहाल लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम है उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवावासी पाउडर की ओर से बहुत बहुत बधाई। पर्क चिन्ह की ओर से गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कोरबा स्थित आरकेटीसी के 10 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। टैक्स चोरी की सूचना पर यहां टीम पहुंची है। आयकर विभाग की टीम ने कोरबा के अशोक सेल्स कॉरपोरेशन की दुकान में छापा मारा। इसके साथ और कई अन्य ठिकानों पर छापे मारकर कार्रवाई चल रही है। कोरबा में मंगलवार को आरकेटीसी ग्रुप के 10 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। राजेंद्र अग्रवाल उर्फ राजू की आरकेटीसी कंपनी के पास कोरबा में सड़क निर्माण का बड़ा काम है। वहीं कोल ट्रांसपोर्ट सहित सभी सहयोगी संस्थाओं में भी छापे की कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की सूचना पर आयकर टीम पहुंची है। छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने स्कूल में घटिया मिड डे मील दिए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। विधायक आलोक चतुर्वेदी मॉडल स्कूल का निरीक्षण कर रहे थे जहां बच्चों ने उन्हें कई खामियां बताई। एमपी में सरकार बनने के बाद कांग्रेस के विधायक एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पहली बार विधायक बने आलोक चतुर्वेदी ने मॉडल बेसिक स्कूल का निरीक्षण किया तो कई सारी लूपहोल उनके सामने आई। विधायक ने स्कूल के बच्चों से बात की तो बच्चों ने सिस्टम की तमाम कमियों को उजागर कर दिया। इतना ही नहीं, बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की घटिया क्वालिटी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ऑफिस में भी झाड़ू लगवाते हैं और वो विज्ञान कक्ष में भी हम लोग झाड़ू लगवाता है। क्या कहती हैं? भैया जी थे तो चोरी का इल्जाम लगा देती थी हर बार, तो भग गए, कह रहा मैं नहीं ऐसे काम करना। ये बताओ कि इसमें अच्छाई क्या पाई गई, हम तो कमियां ही कमियां देख रहे हैं।
15 साल से जो यहाँ भर्रा और ढर्रा चल रहा है वो सामने आज देखने को मिला है। शिक्षक अपने काम में कम, धूप सेंकने में ज़्यादा व्यस्त हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसमें ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। संस्कार के नाम पे ये बताते हैं कि साहब संस्कार के दे रहे हैं, क्या मैं पूछना चाहता हूँ अपने घर पे भी बच्चों को ये शिक्षक संस्कार दे रहे हैं झाड़ू पोछे का? बहुत गलत तरीका है। मध्यान्ह भोजन जो बच्चों को कच्ची रोटी दाल सब्जी मिलाकर मीनू के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी पूरी नहीं, इस तरह से जो यहाँ देखने को मिला दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने यहाँ के पूरे स्टाफ के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस ढर्रे को सुधारा जाए। मैं कहीं भी जाकर इस तरह से औचक निरीक्षण करूंगा और जो संबंधित व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ बेटी को आत्मरक्षा के गुर सिखाओ, ये अपील एक कराटे ट्रेनर ने नेताओं से की है। रीवा में महिला कराटे प्रशिक्षण शिविर में लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आत्मरक्षा के गुर सीखे। जिला रीवा कराटे संघ की पहल पर महिला कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी तादाद में बच्चियों ने हिस्सा लिया। ऑल इंडिया कराटे संघ के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ समय पहले एक नारा चला है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। उन्होंने इस नारे में अतिथियों एवं अभिभावकों से एक और लाइन जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और उसे आत्मरक्षा के गुण सिखाओ। विगत कुछ वर्षों से एक नारा चला है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे जब भी कराटे फंक्शंस में बोलने का अवसर मिलता है, चाहे वो जिला स्तर से हो या नेशनल लेवल पे, तो मैं आदरणीय अतिथियों से और अभिभावकों से उसमें एक और लाइन जोड़वाने की कोशिश करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटी पढ़ाओ और उसे आत्मरक्षा के गुर सिखाए। आज जो है पटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है, बालिकाओं की उपस्थिति और उनका उत्साह हमारे कथन को सत्यापित करता है। सुरेंद्र सिंह जी ने 1985 से लगातार रीवा संभाग फिर मध्य प्रदेश और फिर ऑल इंडिया स्तर पे बालक बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देके स्पोर्ट्स कराटे के रूप में इसकी मान्यता प्रदान की है। इतने प्रतिभावान खिलाड़ियों को इन्होंने अपनी शिक्षा दी है। ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण का समापन समारोह का प्रोग्राम था जो कि राष्ट्रीय बाल शिक्षा अभियान के द्वारा हमारे रीवा जिले में संचालित 23 विद्यालय और 6 गर्ल्स हॉस्टल हैं, वहाँ पे लगभग 4 साल से हमारा जिला कराटे संघ के द्वारा 100-100 लड़कियों को एक हॉस्टल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है सेल्फ डिफेंस। और ये हमारे दोपीसी कार्यालय से कस्तूरबा गांधी बालिका जो छात्रावास है वहाँ पे भी लगभग सभी 12 हॉस्टलों में जो पहली से 6 क्लास तक की बच्चियाँ रहती हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की जाती है। कराटे प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में प्रतिभागी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। शिविर के समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। भोपाल के लाल घाटी से एयरपोर्ट जाने वाले फ्लाई ओवर को शहीद हेमू कलानी ब्रिज के नाम से जाना जाएगा और निर्माणाधीन भारत माता मंदिर परिसर में हेमू कलानी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नगर निगम भोपाल एवं सिंधु सेना ने भोपाल के ईदगाह स्थित हेमू कलानी उद्यान में अमर शहीद हेमू कलानी की प्रतिमा अनावरण की। इस मौके पर महापौर आलोक शर्मा ने सिंधु सेना की इस मांग पर कहा कि निगम परिषद में फ्लाई ओवर ब्रिज के नाम का प्रस्ताव पारित किया जाएगा एवं फ्लाई ओवर हेमू कलानी के नाम से जाना जाएगा। साथ ही मनुआ भान टेकरी पर निर्माणाधीन भारत माता परिसर में भी शहीद हेमू कलानी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। पूरा वतन पूरा मुल्क शेरे हिंद हेमू कलानी जी की पुण्यतिथि मना रहा है। वास्तव में वे हम सबके आदर के केंद्र थे, वे देश के महान क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी जी के अंग्रेज छोड़ो आंदोलन में
उनकी काफी अग्रणी भूमिका थी। आज नगर निगम भोपाल और सिंधू सेना पुराने भोपाल के ईदगाह हिल पर उनकी शहादत दिवस के ऊपर शहीद हेमू कराणी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को सद्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे, राष्ट्र मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे। बहुत दिनों से ये मांग थी, भोपाल में कहीं भी हेमू कालानी जी की प्रतिमा नहीं लगी थी, तो सिंधी समाज के एक शहीद थे, अमर शहीद क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो इसलिए उनकी मूर्ति का अनावरण, उनकी प्रतिमा का अनावरण हमने यहाँ पर किया और आगे भी भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा का अनावरण जीतलदास की बगिया पे कराने का हम। इस अवसर पर महापौर आलोक शर्मा ने अमर शहीद हेमू कालानी जी की शहादत को याद करते हुए कहा कि क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालानी फांसी पर झूलते हुए भी भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। आज उनकी शहादत दिवस पर सिंधु सेना ने यहां उनकी प्रतिमा लगाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है और जल्द ही लाल घाटी से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का नाम हेमू कालानी जी के नाम से जाना जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।